जय मसीह की। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं मसीह जीवन की चार मुख्य बातों के विषय में। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका 42 वचन कि वे यानी कि जिन लोगों ने मसीह को ग्रहण किया, जो लोग मसीह के पीछे चलना शुरू किए हैं वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने। नंबर वन जो पहली बात है कि वो लोग क्या करने लग गए, किससे? प्रेरितों से। वो लोग जो मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया शिक्षा पाने लगे, मतलब बाइबल की शिक्षा, परमेश्वर की बातों की शिक्षा पाना। पहली बात ये थी उन लोगों के अंदर और यही बात हम लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। नंबर दूसरी जो बात थी वो है संगति रखना। वो सब लोग आपस में मिलते थे, भजन गाते थे, गवाहियां शेयर करते थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते थे, उत्साहित करते थे मसीह में आगे बढ़ने की। नंबर तीसरी जो बात है प्रभु भोज की, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रभु भोज करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी जो बात थी उनके अंदर वो रात दिन सुबह शाम केवल प्रार्थना ही किया करते थे, हर एक बात के लिए वो प्रार्थना किया करते थे। यदि ये चार बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं, नंबर वन शिक्षा पाना, मतलब शिक्षा पाना मतलब बाइबल अध्ययन करना, नंबर टू संगति रखना मतलब मसीह विश्वासियों के साथ में संगति रखना, नंबर थ्री रोटी तोड़ना यानी कि प्रभु भोज करना, नंबर फोर प्रार्थना करना, रात दिन प्रार्थना करना। यदि ये चार बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं तो ही हम मसीह विश्वासी कहलाए जा सकते हैं।